नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। और चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये 4 ब्रेड ली हैं और ये देखिए आप बची हुई ब्रेड है जो आगे पीछे की बच जाती है। और इसको मैं मिक्सी के एक जार में डाल के, ये देखिए मैंने डाल लिए, अब इसको मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने पीस लिए और देखिए ब्रेड क्रम हमारे तैयार हो गए हैं। और अब हम एक बाउल लेंगे और उसको इसमें डाल देंगे और बाउल को साइड में रख देंगे। और ये 4-5 आलू हैं, इनको हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को तोड़ के भी डाल सकते हैं, पर जब हम ग्रेट करके डालते हैं तो वो अच्छे से मैश हो जाते हैं। आलू मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिए और अब हम इसमें मिला लेंगे और साथ में डाल देंगे एक प्याज और 2 हरी मिर्चें हैं और डाल देंगे हरा धनिया, ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और साथ में हम डाल देंगे लाल मिर्च, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक। आप चाहें तो आमचूर भी डाल सकते हैं, पर मैं आमचूर नहीं डालूंगी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है। और अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा हम ये हाथ में ले लेंगे और एक बॉल बनाएंगे। और बॉल हमें बिल्कुल स्मूथ सी बनानी है। ये देखिए ये हमारी बॉल बन के तैयार हो गई। और अब हम बॉल को बना बना के एक प्लेट में अलग से रख लेंगे। तो मैं सभी बॉलें बना लेती हूँ। ये सभी बॉल बन गई है। ये देखिए 15-16 बॉल बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे एक तरफ रख लेंगे और एक कटोरी लेंगे, उसमें हम पिंच ऑफ नमक डाल देंगे और डाल देंगे 2 चम्मच मैदा, थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक पतला घोल बनाएंगे हम, गाढ़ा घोल नहीं बनाना है हमें। तो पहले हम थोड़ा ही पानी डालेंगे, अब थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। ये देखिए कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए घोल की। अब हम चम्मच हटा देंगे और एक प्लेट लेंगे और प्लेट में ब्रेड क्रम डाल देंगे। ब्रेड क्रम बनाना बहुत इजी है और मैं पहले वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहले हम बॉल लेंगे और इसको अच्छे से इसमें डिप कर लेंगे और फिर ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे। और एक एक करके हम इस तरह रखते जाएंगे। पहले सभी बॉलों को हम मैदा में डिप कर लेंगे। जब तक मैं मैदा में डिप कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपके यहाँ भी बारिश हो रही है कि नहीं। और बारिश जब होती है तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, पकौड़े या कोई चटपटी चीज़? तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब सभी हम ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे। और आप गैस पे कढ़ाई रख लीजिए और उसमें डाल दीजिए तेल, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो वही तेल डाल लीजिएगा। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम एक एक बॉल को इसमें छोड़ देंगे और धीमी आंच पे ही हम सेकेंगे। चलिए एक बार पलट देते हैं, हल्के हाथ से पलटिए। अब एक बार और चला देते हैं और अब गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर लीजिए। ये देखिए कितने बढ़िया सिक्के तैयार हो गए हैं और आप देखिए कि गोल्डन कलर भी आ गया है
ये लीजिए क्रिस्पी टेस्टी बॉल तैयार हैं और आप देखिए कि देखने में कितनी मजेदार लग रही है। बारिश के दिनों में आप चटनी या चाय के साथ इसका आनंद लीजिए और मैं आपको दिखा दूं कि बॉल देखने में जितनी बढ़िया लग रही है ना उतनी ही खाने में भी बढ़िया है क्रिस्पी। और ये देखिए अंदर से कितनी बढ़िया लग रही है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।